सो हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारी प्रिया मैडम और हमारी साक्षी मैडम आखिरकार मिल ही जाते हैं और इन दोनों की शुरुआत ही में हो जाती है अच्छी खासी भिड़ंत, अच्छी खासी दिमाग जो होता है ना फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। यह देखते कि हमारी जो प्रिया जो होते हैं ना वो कैबिन में चले गए होती है साक्षी के, क्योंकि साक्षी को अभी बताना था उसको, क्योंकि बहुत कुछ बोला जो होता है प्रिया ने। और प्रिया भी ना ऑफिस में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बोल देती है हमारी साक्षी मैडम के लिए। अब यह साक्षी तो बॉस थी, उसको क्या बताता कि भाई सामने तो वही इनकाउंटर करने वाला खड़ा है। यह जैसे साक्षी और हमारी प्रिया की आँखें मिलती है तो हमारी साक्षी और प्रिया के तो भाई कुछ अलग ही टंग शुरू होती है। यह जैसे असिस्टेंट बोलती है ठीक है मैम मैं जाऊँ, तो हमारी साक्षी मैडम हाँ यू मे गो नाउ, तो ऐसे तो बोल देती है। देखते कि हमारी प्रिया भी ना बेचारी पीछे से जा रही होती है, हमारी साक्षी बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, प्रिया जी इधर आना सर। तो प्रिया बोलती है आपने तो बोला ना तो मैं तो जा रही हूँ। तो हमारी साक्षी मैडम बोलती मैंने उसको बोला था, मेरे असिस्टेंट को, आपको नहीं बोला था, आप आना सर इधर बैठे। हमारी प्रिया बोलते मैडम आई एम सॉरी। तो साक्षी बोलते क्यों सॉरी, आपकी गलती क्या, मुझे सारा बताना। अब प्रिया बताती कि मैम आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकाले, मैं अभी ज्वाइन हुई। तो हमारी साक्षी बोलते हाँ मुझे अभी भी पता चला कि आप अभी भी ज्वाइन किए, सॉरी क्यों बोल रहे हो, आपकी क्या गलती है। गलती तो उस लड़के की है जिसने आपका सर फोड़ दिया, आपके सर पर इतना बड़ा चोट आ गई है ना। तो प्रिया बोलते हैं आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो प्रिया जो होते हैं ना बहुत सॉरी सॉरी बोल रहे थे, एकदम मासूम सा फेस बना रहे थे, साक्षी को बड़ा मज़ा आ रहा था उसको तंग करने में। या साक्षी बोलते अच्छा ठीक है ना बैठ रहा, तुम खड़ी क्यों हो रही, बैठो तो सही, ऐसे ही बोलते। और प्रिया को बोलते सर वो टूब पास करना, तो हमारी जो होती ना साक्षी मैडम वो टूब पास करती है। देखते कि हमारी साक्षी से ना वो टूब ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि उसका जो सील होता है ना बहुत टाइट हो गया होता है, वो निकल नहीं रहा होता। तो प्रिया बोलती कैन आई हेल्प यू, तो साक्षी बोलते आपसे होगा। हमारी प्रिया बोलती हाँ, तो साक्षी बोलते कुछ खाती तो हो नहीं, शक्ल से पतली दुबली सी लगती है, मैं अभी ये खोल पाओगे। तो प्रिया बोलती हाँ जी खोल पाएंगे, ज़रा दो तो सही, ऐसे बोल के वो टूब ले लेते हैं। जो उसका ढक्कन जो होता है ना वो बहुत टाइट सा होता है, तो बेचारी प्रिया से खुलता ही नहीं है। यह देखते कि हमारी साक्षी बोलती मैंने तो पहले ही बोला था तुमसे नहीं हो पाएंगे, आप सूखी हड्डी कहीं करेंगे, कितना ही जोर लगाएंगे। तो प्रिया का गुस्सा आ जाता है, बोलते मैम आपने मुझे सूखी हड्डी कैसे बोला, मैं इतना खाती तो हूँ। तो हमारी साक्षी बोलती अच्छा जी तुम खाती हो तो दिखता क्यों नहीं है, हाथ भर देखे तुम्हारे स्केलेटन टाइम लगती हूँ। तो प्रिया बोलती क्या 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 मतलब, मैं अच्छे से खाती हूँ, अच्छी तो मेरी पर्सनैलिटी। तो साक्षी बोलती हाँ दिख रही है पर्सनैलिटी, काहे की पर्सनैलिटी, इतनी सर तो टुक का सील नहीं खोल पाई। यह हमारी साक्षी जो होते हैं वो ज़्यादा जानबूझकर प्रिया को मजाक कर रही होती, भड़का रही होती है। यह अभी बेचारी प्रिया के मुँह पर लग जाती है कि मुझे बोला कैसे इन्होंने, दुबली पतली सी, ताकत तो है मेरे में, हम बताती हूँ। ऐसे बोल के ना वो जो फेस होता है ना वो टूब का बेचारी हमारी साक्षी के मुँह के ऊपर ही होता है। एंड साक्षी भी एकदम मतलब मुँह पर हाथ दे के ना अपनी मतलब खड़ी हुई बैठ के होती है, होता नहीं है इंसान आराम से ना ऐसे मुँह पे हाथ देख के बैठ रहा होता है कि खोलो बेटा खोलो, मज़े आ रहे हैं उनको तो देखने में। यह बेचारी साक्षी जो होती है ऐसे फेस पे स्माइल लेके खड़ी बैठी होती है। और यह हमारी प्रिया जैसे एकदम टाइटली खोलती है ना, तो उसको पूरा मतलब पूरा प्रेशर ना बेचारी इतना उड़ के हमारे मतलब डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है इनके टेबल के फासले। तो प्रिया जो होती है इतनी जोर से करती है पूरा का पूरा हमारी बेचारी साक्षी के मुंह पे चल जाता है ना, उसकी आँखें यानी सब पूरा मुंह भर जाता है, ये क्या कर दिया तुमने। अब यह बेचारी प्रिया हाइपर हो जाती है, आई एम सॉरी मैम वो गलती से हो गया, आई एम सॉरी। यह देखते कि हमारी बेचारी प्रिया की आँखें तो मतलब प्रिया जो होती है ना वो बोलती है ओ माय गॉड ये क्या कर दिया, उनकी आँखों में चले गया। यह बेचारी साक्षी बहुत जोर से चिल्ला रही होती है, मतलब बेचारी प्रिया को पता भी नहीं होता कि वॉशरूम का टिश्यू का है, वो तो मतलब अपना दुपट्टा लेती है सीधा पोछना स्टार्ट कर देती है। यह हमारी साक्षी जो होती है बोलती मुझे वॉशरूम ले चलो। यह हमारी प्रिया बोलती वॉशरूम का है, तो हमारे मतलब नया नया ऑफिस होता है पता ही नहीं होता है, सारे के सारे दीवार एक टाइम लगते हैं, तो वॉशरूम का है। तो हमारे प्रिया जो होते हैं ना पूछते तो ला साक्षी बोलते यहाँ से राइट है मेरी मान लेके चलो, मुझे मेरी आँखें जल रही है। ऐसे बोल के लोग जो होते हैं ना जा रहे होते हैं, बेचारी को दिख ही नहीं रहा होता क्योंकि इतना मॉडर्न टाइप का दरवाजा होता है, बेचारी ठोक रही होती दीवार को आवाज आ रही है। यह साक्षी उसका हाथ पकड़ लेती थी, सही में यार क्या होगा तुम्हारा, ऐसे बोल के हमारी साक्षी का हाथ पकड़ लेती है एंड बोलती है इसको ऐसे खोलते हैं। हमारे देखते हैं कि पहली बार हमारी साक्षी और प्रिया का हाथ एक दूसरे को लगता है, हमारी प्रिया जो होती है उसको लेके जाती है, वैसे इनके पास में उसका पूरा फेस जो होता है ना पानी डालती है बहुत प्यार प्यार से ना उसको, फिर उसका फेस का जितना भी होता है ना निकालती है ना, उसका दुपट्टा भी ख़राब हो गया होता है। यह देखते हैं कि हमारी साक्षी जो होती है ना थोड़ा सा
बोल रही मेरी आँखों में पानी डालो, प्रिया थोड़ा सा पानी लेते, उसके आँखों में मार रहे होते हैं ना, उसको बहुत प्यार प्यार से ना मार रहे होते हैं, या उसका हाथ पहली बार हमारे साची के फेस को टच हो रहा होता है, साची को बहुत प्यारा सा सुकून सा फील हो रहा होता है जब जब हमारी साची के हाथ ना उसको टच कर रहे होते हैं, एकदम अलग से एकदम होता है ना यार, इंसान में एकदम करण सा मार रहा होता है, या बेचारी प्रिया भी उसको बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है कि अब मैंने क्या ही कर दिया, उसको भी बहुत मतलब अजीब सा लग रहा होता है, मैंने क्या कर दिया क्या कर दिया, अभी मुझे निकालना दे नौकरी से, या बेचारी साची जो होती है बोलती है यार प्लीज़ मेरी आँखों में फूक तो मारो, बहुत पेन हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, या हमारी साची जो होती है ना उसकी अच्छी खासी हाइट होती है तो वो अपना फेस हमारी प्रिया के सामने कर लेती है, प्रिया बोलती है अच्छा ठीक है मैं फूक मारती, ऐसे बोल के बेचारी जो प्रिया जो होती है ना उसकी दोनों मतलब हाथ अपने हाथों से ना उसके आँखों को बड़ी करते हैं फूक मार रही होती है, या हमारी साची की आँख बंद हो रही होती है जान उसके दर्द के मारे उसकी आँखों से बहुत पानी निकल रहा होता, या साची देखते कि उसकी आँखों से बहुत पानी मतलब प्रिया देखते कि बहुत पानी निकल रहा, साची जो होती है ना बहुत रो रही होती है, इन द सेंस होता है ना यार आँखों से पानी निकलते हैं उसकी आँखें रेड हो गई होती है, यहाँ देखते हैं हमारी प्रिया जो होती है वो उसको समझ नहीं आता है कि क्या करो, वो अपना दुपट्टा लेते हैं दूसरे जहाँ से अच्छा था ना उसका दुपट्टा लेते हैं उसका थोड़ा सा गोला टाइप बनाती है उस पर फूक मारते हैं थोड़ा सा उसको गर्म करती है एंड उसकी आँखों पर रखती है, जिसकी वजह से हमारी साँची की आँखें थोड़ी सी ठंडक दे रही है, थोड़ी सी हमारी जो साँची की आँखों का पानी ना रुक जाता है एंड थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, साँची जो होते हैं ना भाई थोड़ा सा टेक लगाती है, देखते हैं हमारी प्रिया जो होते हैं ना क्योंकि हाइट छोटी से छोटी थी बेचारी प्रिया की, उसकी क्या गलती यार, यहाँ साची बेचारी को बोल प्लीज़ और करो बहुत बहुत पेन हो रहा है, यहाँ साची जो होते हैं ना फटाफट उसको बोलते तो उस प्रिया पे करना स्टार्ट करते हैं, प्रिया जो होता है उसे गोले बनाती है अपने मुंह से अपने 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 दुपट्टे के, बोलते हैं ना फूक मार रही होती है उस पूरा गर्म गर्म कर रही होती है उसकी आँखों पर लगा रही होती है, ऐसे ना 10-15 मिनट तक करती है बेचारी प्रिया भी थक जाती है, यह देखते हैं कि हमारी कुछ समय के बाद में हमारी साची जो होती है ना पूछती है प्लीज़ यार करो ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारी साची बोलती है चलो ठीक है एक काम करो तुम मतलब साची बोलती है उसको चलो एक काम मेरे कैबिन में चलो, ये लोग जो होते हैं अपने ना मतलब प्रिया अपनी आँखें बंद कर देती है ना हाथ दे देती है प्रिया को पकड़ने के लिए, प्रिया पकड़ के लेके चल जाती है उसको अपने सीट पर बिठाती है, यानी प्रिया की जो होता है ना सामने खुद आ जाती है मतलब कि चेयर को थोड़ा सा सामने कर लेती है, बीच में हमारी प्रिया जाती है अपने दुपट्टे से है ना पूरा दुपट्टे को लेती है ना फूक मार रही होती है, और यह देखते हैं कि हमारी धीरे धीरे ना प्रिया बोलती है काम करो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो, या दोनों भी आंखों पे लगा होता है तो एक आँख को कर रही होती है तो दूसरी आँख को बोलती है प्लीज़ खोलो, या जैसे हमारी प्रिया जो होता है ना थोड़ा सा नीचे झुकती है ना कि उसके नीचे का दिख रहा होता है, तो हमारी पहली बार साची की नज़र वहाँ चल जाती है एंड साची को बहुत मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी आँखें बंद कर लेती है, जैसे आँखें खोलती प्रिया बोलती है उसको खोलने के लिए तो वैसे आँखें खोलती है तो उसको वही दिख रहा होता है मतलब चेस्ट साइड का, यहाँ साची की थोड़ी सी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है भाई साहब, उस समय मानो कि भाई हार्ट अटैक क्या आ जाए उसको, बहुत अलग सी बेचैनी टाइप की हो रही होती है, बहुत बहुत दिल में इतना ज़्यादा शोर है बोलते ना दिमाग से लेके पैर के अंगूठे थक इतना इलेक्ट्रिक वायर किसी को करंट लग गया होता है, या जैसे जैसे प्रिया बोल रही होती प्लीज़ आके खोलो आके खोलो, तो हमारी जैसे जैसे आँखें खोलो ये तो बेचारी बंदी आँखें खोल ली, तो जैसे आँखें खोलते तो उसको तो भाई अलग सा ही करंट मार रहा होता है उसको उसकी नेक पे सीधा, क्योंकि यार वो इतनी नज़दीक से बेचारी उसको कर रही होती है जिसकी वजह से उसकी आँखें तो बस उसी इधर उसी डायरेक्शन में जा रही होती है, जैसे आँखें बंद कर लेती है तो प्रिया बोलती खोलो ना समझ नहीं आ रहा खोलने के लिए बोला है ना मैंने खोल कर को, यह बेचारी हमारी साँची खोल देती है बेचारी इतना जो चिल्ला रही होती खोल दे तो देखते कि बस उसी का पानी दिख रहा है बेचारी आँखें बंद कैसे करें, यहाँ साँची कुछ समय तक उसको बोल दे तो बेचारी हमारी मतलब होता है ना यार दिल में अलग से तूफान सा वट मचा होता है साँची के दिल में, यहाँ साँची बोलते चलो ठीक है ना मैं ठीक हूँ तुम दूर हो जाओ, तो साँची बोलते ज़्यादा मत बनो मत पूरी देखो आँखें पर रुको ना मैं कर रही हूँ ना समझ नहीं आता ऐसे ज़ोर से चिल्ला देते बेचारी साँची करे तो क्या करे, वो बोलती चल ठीक है मतलब दिल में बोलती चल ठीक है यार चुपचाप हो जाती साइलेंटली एंड साँची जो होती है ना बेचारी मतलब स्माइल कर रही होती है, यह बेचारी प्रिया बहुत हैरान परेशान, पहली बार साची ने इसको देखा था यार कोई इंसान मेरे लिए इतना मतलब परेशान हो जा रहा होता है यार इतना दिल में उसके तूफान समझ रहा होता है, या कुछ समय के बाद में हमारी जो प्रिया होते हैं ना बोलते आपको ठीक लग रहा है, यह दिखते कि हमारी साची जब देखते कि उसके पूरा दुपट्टा खराब हो गया होता एक दुपट्टे से तो उसने पूरा मेरा फेस पोछ लिया था जिसने अपने पूरे कपड़े की परवाह भी नहीं की होती है, यह बेचारी साची को ना कुछ समय के बाद जब रियलाइज होता है कि यार उसके दुपट्टे ही चले गए बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा होता है हमारी प्रिया के लिए अनकम्फर्टेबल, दुपट्टा नहीं सब लोग होते हैं कोई को लड़की के लिए होता है यार बहुत अनकंफर्टेबल,
या हमारी जो साँचे होते हैं ना, वो अपने मतलब चेस्ट पे हाथ रख लेते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है, वो दुपट्टा को ले लेते हैं ना, वही डाल रहे होते हैं। हमारी साँचे बोलते पागल हो गए, पूरे दुपट्टे पे टूब लग गया, प्लीज़ प्लीज़ मत लो उसको। अब यह साँचे कैसे बताए कि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है, वो कैसे भी करके बता देते कि मुझे मतलब प्रिया बता देते कि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है। तो बेचारी साँची समझ जाती है, बोलते रुको, ऐसे बोलती है ना, बोलते रुको मेरा ब्लेजर पहनोगे, तो हमारी साँची बोलती है उसको पहनने के लिए। प्रिया बोलती है नहीं बहुत अनकम्फर्टेबल लगेंगे मुझे, तो हमारी प्रिया बोलती है उसको, तो यह साँची बोलती है चलो ठीक है काम करो तुम, यही रुको यही काम करो मेरे मेरे सामने। यह देखते कि हमारे जो ट्यूब होता है ना थोड़ा सा बच जाता है, तो बोलते इस ट्यूब की तैसी की तैसी। या प्रिया जो होता है उसको साइड में लगा देते, तो प्रिया साइड में रखने के बाद साँची बोलते अब क्या करोगे उसका, तो लगा दो मेरे सर पे, सर में भी पेन हो रहा है। तो प्रिया आती है एंड वो ट्यूब लगाती है उसके सर पे जहाँ पर चोट लगी थी, एंड यह साँची बोलते दो मुझे, वो ट्यूब ले दिया। हमारी प्रिया भी है ना खड़ी होती है, साँची मतलब सॉरी साँची खड़ी होती है और प्रिया को लगा देती है जहाँ लगा होता है, थोड़ा सा उसको रफ करती है, जैसे रफ करती है तो हमारे साँची को भी अच्छा लगता है, बोलती बहुत बहुत सब से पेन हो रहा था। यहाँ देखते कि हमारी प्रिया जो होते हैं ना वो बैठ जाती, क्योंकि अब उसको बाहर जाने में बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। या हमारी साँची समझ जाते कि यार ये ऐसा ऐसा फील है, वो फिर फटाफट ऑर्डर करती है कि बहुत प्यारा सा सूट टाइप का होता है ना, ऑर्डर करते हमारी प्रिया के लिए, क्योंकि यार किसी इंसान ने आपका अपनी इज्जत छोड़ छाड़ के ना अपना दुपट्टा दिया होता है किसी को, तो हमारी साँची को बात लग जाती है, वो उसके लिए बहुत प्यारा सा कुर्ता कुर्ती जो होता है ना ऑर्डर करती है। एंड कुछ समय के बाद में यहाँ देखते हैं कि हमारी प्रिया बोलती है काम करो तुम टेंशन ना लो तुम यहीं रुको मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी का इंतज़ाम करती हूँ। तो प्रिया बोलती काम करो दो लेके आ जाओ, ये दोनों कॉफ़ी का बोलते साथ ही साथ यहाँ देखते कि हमारी जो प्रिया जो होते हैं ना उसको बहुत टेंशन हो रहा होता है, तो पूछते कि आपकी आँख ठीक है अभी, तो हमारी प्रिया बोलती है उसको, तो हाँ साँची बोलती है मैंने वो बुलाया अभी आँखों में वो डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। या असिस्टेंट जो होता है ना वो कुछ लेके आ जाती है जिसमें ऑयल कुछ होता है ना डालने के लिए आँखों में, आँखों को ठंडक मिले, तो दे देती है प्रिया के हाथ में। या प्रिया बोलती मैं डाल दूँ आपको, तो हमारी साँची बोलती हाँ डाल दो प्लीज़ मैं खुद से तो डाल नहीं पाऊँगी, ऐसे बोल के बताइए। हमारी साँची जो होते हैं ना बैठ जाती है ना आँखें अपने ऊपर करते हैं, एंड यहाँ देखते कि हमारी प्रिया भी आ जाती है एकदम उसके फेस के सामने, मतलब फेस के ऊपर ही होते हैं उस सीट पे बैठी होती है ना ऊपर में, हमारी प्रिया मैडम उसको देख रही होती है, इन दोनों की आँखों का कॉन्टेक्ट होता है पहली बार, मतलब होता है ना दिल में कुछ अलग तूफान, ऊपर से एक अलग सा नशा। यह साँची तो बहुत ना प्यार से देखते स्माइल करते हैं, यह जैसे हमारी प्रिया खोलते हैं ना उसका टोप तो बोलते हैं आँखें तो खोलो, यह हमारी साँची को बहुत डर लगता है, जब जब वो आँखें खोलने के लिए बोलते तो आँखें बंद कर लेती, तो प्रिया ना उसको बोलते रुको मैं पकड़ती हूँ, वो उसकी दोनों ना पलके पकड़ लेती है, बोलती प्लीज़ बंद मत करना मैं खुद डालने दो 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 ड्रॉप एटलीस्ट। यह हमारी जैसे प्रिया जो होते ना डालने वाली थी ना वो आँखें बंद कर लेती है, तो साँची चिल्लाती क्या है समझ नहीं आ रहा आपको, आँखें आँखों को ठंडक मिलेगी या नहीं आपको, हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे जोर से चिल्लाती है दो है ना उसके दोनों पलके पकड़ लेती हूँ, मतलब किया ना तो देख लेना ऐसे चिल्लाते हैं दो ड्रॉप अच्छे से डाल देते हैं, जैसे डालते हैं थोड़ा सा पेन तो होता है उसको क्योंकि जलन टाइप होता है आँखों में, तो वो फूक मारते हैं, फूक मारने के बाद दूसरी आँखों पे सेम करते, सेम करने के बाद दोनों दो मिनट तक हमारी साँची ऐसी ना आँखों आँखें बंद करके रहती है, एंड हमारी प्रिया बोलते हैं आँखें खोलो, तो आँखें खोलते तो बहुत पानी जा रहा होता है। यह देख देखे हमारी जो प्रिया होता है ना अपने खुद के हाथों से ना उसके आँसू पोंछती है, यह साँची को बहुत अच्छा लगता है, और साँची को है ना फूक मार रही होती है उसके आँखों में, बहुत प्यारा सा सुकून सा मतलब लग रहा होता है साँची को, अरे ऐसे दर्द मैं हज़ार दे दूँ बस, ऐसा सुकून वाला मौसम होंगे एक बार और चाहिए होता है। या कुछ समय के बाद देखते हैं कि हमारी जो प्रिया जो होता है ना सामने बैठ जाती है, यहाँ देखते हैं दो कॉफ़ी आ गए होते हैं, कुछ खाने का भी मंगाया होता है हमारी साँची ने जो कि आ जाता है, इन दोनों जो होते हैं ना बोलते चलो पिज़्ज़ा खा लो, या हमारी प्रिया बोलती नहीं आप खा लो, तो हमारी मतलब साँचे बोलते हैं उसको बोलते खा लो ना बोल रहे ना खा लो, दोनों पिज़्ज़ा खाते हैं साथ ही साथ कॉफ़ी पीते हैं, पता है आपको यार पिज़्ज़ा हमारी कॉफ़ी का बहुत अलग पिला है, लेकिन क्या करें खा लेते हैं दोनों। कुछ समय खाने होने के बाद प्रिया बोलते हैं मुझे आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे, तो साँची बोलती है हाँ मुझे अच्छा भी लग रहा है बताओ। यहाँ देखते हैं हमारे प्रिया जो होते हैं ना उसकी हेल्प करती है, मतलब प्रिया को बताती है ऐसा सा मेरी हेल्प कर दो, तो साँची उसकी हेल्प करा देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी राधिका मैम से अभी उसको उसके पास तो आना था, तो उसको पता था ऐसे ऐसे करना है, तो सब बता देती है ऐसे ऐसे कर लो, फिर उसकी हेल्प कराती है बहुत मतलब बहुत अच्छे से हेल्प करा देती है। यह देखते कि दोनों मिलके ना काम करते, करने के बाद तो उनका लंच टाइम होता है, यह देखते कि हमारे प्रिया को बहुत भूख लग रही होती है, तो अपने ना पेट को पकड़ लेती है, क्या हो गया तुम ठीक हो, तो हमारी प्रिया बोलती मुझे भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ बाहर जाओ, लेकिन ऐसे हालत में कैसे बाहर जाओ। यह हमारी प्रिया बोलती है उसको चलो कोई ना मैं घर जाके खाना खा लूँगी,
तो हमारे साची बोलते हैं टेंशन मत लो, यहाँ देखते कि हमारे साची ने स्पेशली ना दो प्लेट मंगाए होते हैं, मतलब खाना खाने का ना खुद के लिए ना हमारी प्रिया के लिए। तो प्रिया बोलती इसकी क्या ज़रूरत थी, तो साची बोलती इसकी ज़रूरत थी, आ जाओ। ये लोग जो होते ना अपने मतलब कि चल जाते हैं सोफे पे चल जाते हैं, हमारी साची बोलते आ जाओ खाना निकाल के दे भी दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो हमारी जो प्रिया मैडम होते हैं ना वो खाना ले लेती है ना, होता ना एक मियाँ बीबी बैठ के आराम से खाना खा रहे होते, तो ऐसे ही सीन होता है। यहाँ देखते कि हमारी जो प्रिया के पास एक ही प्लेट होती, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने कैबिन में अकेली मतलब खाती होती, तो उसको पता नहीं होता कि दो प्लेट है। तो बेचारी हमारी साची बोलती काम कर लो आप उसे खा लो, मैं ऐसे खा लूँगी। तो हमारी साची बोलती पागल हो क्या, ऐसे कैसे खाओगे है ना, मतलब डिश में कैसे खाओगे ना, डिश तो है नहीं, काम करो जो एक प्लेट में शेयर करके खाता है। तो हमारी पहले प्रिया तो मना करते लेकिन भूख बहुत लगी थी ना, ऊपर से खाना इतना टेस्टी था और हम जैसे भूख करते पहले कैसे भी खा लेते, खाना मिले ना मिले लेकिन खाना तो पहले गया। तो बोले चल ठीक है, लोग एक प्लेट में खाने के लिए राज़ी हो जाती है। देखते कि बहुत तीन चार प्रकार की सब्जी होती है जो कि हमारी प्रिया ने ना पहली बार खाया होता है ना, बहुत टेस्टी लगी होती है, वाह। जैसे खाने के बाद अपना इंसान सुकून प्राप्त कर लेता है, जैसे पूरा के पूरा संसार मिल गया। या दोनों की मतलब साँचे देखते यार कितना इंजॉय करके खाना खा रही होती है, तो रोज खाती हूँ मुझे तो इतना सुकून नहीं मिलता। पूछती है तो प्रिया बोलती है क्या करो मैंने इतना टेस्टी खाना कभी खाया नहीं ना। तो हमारी प्रिया बोलती है उसको, तो वो हमारी साँचे को दिल पे लग जाती है, बोलते अच्छा जी ऐसे बताना तुम अपने घर पे किसके साथ रहते हो। तो हमारी प्रिया इतनी ज़्यादा भोली इतनी ज़्यादा सीधी थी ना, सब बता देती है कि मैं मम्मा के साथ रहती हूँ, अभी हाल ही में हैदराबाद आई हूँ, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो खाना खाते समय ना लोग अपनी पूरी दिल की बात बोल देते हैं, बातें बातें कर लेते हैं। कुछ समय के बाद खाना वाना होने के बाद हमारी प्रिया जो होता है ना पूरा टेबल को साफ कर लेती है, बोलती है आप आराम करो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। तो हमारी साची बोलते तुम कहाँ बैठोगे, और कमर कट जाएंगे, थोड़ा यहीं बैठो सोफे पे अच्छा लगेंगे। ये दोनों जो होता है ना काउच पे बैठ जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे से बातें बातें कर रहे होते हैं। बोलते चलो कोई बात नहीं, जैसे तुमने काम बहुत कर लिया तो एक काम को थोड़ा सा आराम कर लो, ऐसे भी ज़रूरत नहीं आती तुम्हें काम करने की, तुमने पहले काम कर लिया ना अच्छे से। तो हमारी प्रिया बोलती नहीं आप आराम कर लीजिए मैं वहाँ जाके टेबल पे बैठ जाऊँगी। साची बोलती मैंने बोला ना तुम यहाँ बैठ सकते हो, उसमें क्या है बैठो चुपचाप, ऐसे आप चिल्ला देते। तो बेचारी प्रिया पे बैठ जाती है एंड यहाँ देखते कि हमारी जो मतलब कि होता है ना हमारी साची की आदत होती है खाना खाने के बाद ना उसको नींद मतलब कंपल्सरी होती है थोड़ी सी नैप लेना। यहाँ देखते कि हमारी काउच पे बैठे बैठे हमारी साची को तो नींद लग जाती है, जैसे नींद लग जाती है तो वो अपना जो सर होता है ना वो हमारी प्रिया के अंदर लगा देती है। अरे यहाँ प्रिया बोलती क्या हो गया मैडम आप ठीक हो, जब देखती तो उसको पता चलता है तो साची तो सो गई। अब यह बेचारी उसको उठाना चाह भी रही होती, कैसे उठाए मैडम होती है उसको उठाए कौन, या उसको ना टिका देती है अपने शोल्डर से सोने के लिए, चुपचाप से ना चुपचाप हो जाती है, अपने मोबाइल का भी साइलेंट कर देते हैं कि उसको डिस्टर्ब ना। यहाँ कुछ समय के बाद में हमारी जो प्रिया होते हैं उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा होता है, कैसे मतलब मैडम मेरे ऊपर सो गए, सोचती है कि मैं इनको लिटा दूँ यहाँ पे। लेकिन कुछ समय के बाद बोलिए अगर इनकी नींद डिस्टर्ब हो गई तो फिर क्या होगा ना, ऐसे लोग बातें बातें करते हैं मतलब दिल ही दिल में अपनी बातें बातें करते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ देखते कि हमारी क्योंकि इतना अच्छा खाना खाने के बाद ना किसको नींद आए ना अपनी चैन वाली, तो हमारी यहाँ बेचारी प्रिया भी थोड़ी सी नाप ले लेती है, जैसे नाप ले लेती है ना ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर सो जाते हैं। यहाँ देखते कि हमारी नींद में हमारी जो होती है ना हमारी साची मैडम वो अपना सोल्जर दे देती है हमारी प्रिया को एंड प्रिया भी उसके सोल्जर में आके सो जाती है। जैसे सो जाती है कि हमारी ना साची को थोड़ा सा फील होता है कि अरे ये भी सो गई, तो उसके अपने ना भाव में ले लेती है। इन भाव में लेने के बाद बोलती मतलब होता है ना बैठे बैठे इंसान की अकड़ हो जाती पेड़ अकड़ जाती है पेड़, तो बोलते काम कर तो लेट ही जाती हूँ, ऐसे बोल के ना उसको मतलब लिटा देती है साइड में। लेकिन उतनी सी जगह नहीं थी कि दो पर्सन लेट पाए काउच पे, तो बोलती काम करती हूँ कैसे करूँ, अगर उसको उठा दिया उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सोचती होती कि चलो ठीक है ना मेरे ऊपर थोड़ा सा उसको ले लेती है, क्योंकि नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही, तो उसको भी नींद बहुत आ रही होती है। एक तो आँखों में डालना भी होता है जिसकी वजह से उसको ना पेन भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बोलते चलो ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर सो जाते हैं। यह देखते कि हमारी साची हमारी प्रिया सो जाती है, प्रिया को पता ही नहीं चलता कि कब वो सो गई है। कुछ समय के बाद में यहाँ देखते कि हमारी प्रिया और हमारी साची ऐसी प्यार भरी है ना मतलब वहाँ में एक दूसरे के सो जाते हैं। हमारी साची ने तो उसको पूरा भर लिया होता है और उसकी खुशबू जो होती है ना बालों की अपनी मतलब महसूस कर रही होती है, उसके लिए एकदम मतलब लवेबल मोस्ट 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 लवेबल मोमेंट होता है। बहुत प्यार से ना मतलब खुशबू आ रही होती है, पहली बार उसने किसी इंसान को इतना ज़्यादा मतलब फील किया होता है, महसूस किया होता है, बहुत प्यार आ रहा होता है एक दूसरे के लिए। या साची को बोलते ना पहले पहले नशा में प्यार हो जाता है पहली नज़र में।
या दोनों जो होते हैं ना कमाल के सपने देख रहे होते हैं, हमारी साची जो होती है ना फुल ऑन जो सपना देख रहे होते हैं ना, बस साची साची अपने सपने में प्रिया को लेती है कि प्रिया और यह एक दूसरे के साथ रह रहे, और इन दोनों बहुत ना कपल टाइप वाला जो फील कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में, इन्जॉय कर रहे होते हैं, बहुत प्यारा सा मोमेंट होता है इन दोनों का। एंड यहाँ इनके सपने में ना ऐसा होता है कि लोग घूमने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी लाइफ की ना सारी चीज़ें बता रहे होते, शेयर कर रहे होते, एक दूसरे से प्यार कर रहे होते, बहुत कमाल कमाल की चीज़ें शेयर करते हैं दोनों। कुछ समय के बाद हमारी साची जो होते हैं ना उठ जाती है, उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन अभी भी हमारी प्रिया जो होते हैं सोई होते हैं। यह हमारी साची को बहुत बहुत सुकून मिल रहा होता है, जैसे कि बोलते हैं माना कि भाई ठंडक मिल गई होती है। यह हमारी साची ने ऑल पहले ना इस पिल्लों को हक किया होता है, उतना सुकून नहीं मिल रहा होता जितना कि साची को मिल रहा होता है सुकून प्रिया को हक करने के बाद। उन दोनों हाथ से उसको टाइटली हक करते हैं उसको फोरहेड पे, क्योंकि उसका जो नेक होता है ना हमारी साची का, वहाँ पर हमारी प्रिया बहुत घुस के सोई होती है, एकदम कमाल की वाली सिचुएशन हो गई होती है। दोनों बहुत कमाल के लग रहे होते हैं, क्यूट से कपल। यह साची बहुत बहुत स्माइल कर रही होती है, एक दूसरे को देख रही होती है। कभी हमारे प्रिया के बालों को खेल के ऊपर से आ रही है बंदी भी ना, आज बाल खोल के जो बैठी थी, बालों को खोलने का नशा अलग ही होता है बंदियों का। कुछ समय के बाद हमारी साची की नज़र जाती है कि पहली बार जब मैंने इसको देखा था ना एकदम आँखें इसके फटी फटी रह गई थी, क्योंकि यार ऐसे इंसान नहीं टकराता है, कुछ ना कुछ होता है जब जब इंसान टकराता है, क्योंकि बहुत कमाल की सुंदर सी लड़की थी ना, एकदम प्यारे से कपल एकदम प्यारे से कपल लग रहे होते दोनों एक दूसरे के साथ में। यहाँ देखते कि हमारी जो साची होते हैं ना फुल ऑन देख रही होती जब से क्या क्या हुआ, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार ये लड़की मेरे लिए अपना दुपट्टा तक उसने सोचा नहीं कि बाद में क्या पहनूंगी, पूरे दिन क्या पहनूंगी, बट मेरे लिए सबसे पहले इसने अपने दुपट्टे की कुर्बानी दे दी। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है इसको, कैसी डांटती थी, कैसे इसने आई कॉन्टेक्ट की, इतनी नज़दीक से इसको फील किया, सारी की सारी चीज़ें इसके दिल में जैसे कि मानो कि घर बसा लिया होता है। इन दोनों एक दूसरे को ना अलग ही मतलब फीलिंग दे रहे होते हैं यार, कहीं ना कहीं यार साची को पता नहीं होता है यार कितना ज़्यादा प्यार करने लगे होते हैं। होता है यार इंसान पहले ही इंसान को नज़र में देख के ना प्यार हो जाता है, किसी का रहना, किसी का रहन सहन है बोलते मासूमियत देख के इंसान को प्यार हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10-15 साल लगे, 10-15 साल से आप एक दूसरे से बैठ देख देखते रहो, उसके बाद आपको प्यार है यार हो जाता है प्यार। अगर होना रहता ना यार एक दिन में भी प्यार हो जाता है, या 3 महीने या फिर वेट भी कर लो तो प्यार नहीं होता है, प्यार ऐसा ही होता है। अगर होना है तो 1 घंटे में 1 दिन में हो जाएगा यार। तो यार देखते हैं हमारी जो साची जो होते हैं ना एकदम पागल से हो गए होते हैं, उसको प्रिया इतनी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है ना फर्स्ट डे पहली नज़र का प्यार, बहुत प्यारी से लग रही होती है। सो गाइस हम देखते हैं हमारी प्रिया मैडम जब उठेंगी, जब उसको पता चलेंगे कि यार ऐसे कंडीशन में सोई हुई तो क्या ही होगा, या फिर वो चिल्लाएंगे या फिर चल जाएंगे। सो गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।